कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन के शीतल छाया में विदेश से आए 8 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि से मचा हड़कंप। जांच में पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को किया गया होम आइसोलेट। जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे सैंपल। पूरे इलाके को कैंटोनमेंट जोन किया घोषित। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। श्रावस्ती के सभी CHC और जिला अस्पताल इकोना में डॉक्टरों ने कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की बढ़ाई स्पीड। सोनभद्र के गांव में अज्ञात बीमारी का कहर। 2 महीने में अब तक 36 लोग गवा चुके अपनी जान। 60 दिन में 36 मौतों के बाद भी स्वास्थ्य महकमा लापरवाह। कानपुर देहात में देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर लगा ग्रहण। NRHM के संविदाकर्मी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। CHC, PHC और गांव-गांव में टीकाकरण अभियान को लगा झटका। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा उन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं। इटावा में सरकारी स्कूल से घर आ रही कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 साल की मासूम के साथ गांव के ही युवक ने पैसों और टॉफी का लालच देकर घर ले जाकर किया दुष्कर्म। स्कूल के इंटरवल में स्कूल में बटने वाले फल को अपनी दिव्यांग बहन को देने आ रही थी छात्रा। सैफई PGI में चल रहा बच्ची का इलाज। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित। शिक्षकों पर भी लापरवाही का आरोप। उन्नाव में प्रेम विवाह से परिवार के इनकार के बाद प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऑनर किलिंग के एंगल से भी पुलिस करेगी जांच। बदायूं में मुखबिर की सूचना पर दबिश मारकर पुलिस ने असलहा बनाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने असलहा बनाने के उपकरण भी किए बरामद। कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 15,000 के इनाम की घोषणा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में CBI फिर पहुंची गोरखपुर। 8 सदस्यीय टीम में फॉरेंसिक के अलावा मेडिकल स्टाफ भी शामिल। टीम ने होटल कृष्णा पैलेस में सीन रिक्रिएट किया। देवस्थानम बोर्ड भंग के ऐलान के बाद ABP गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले CM पुष्कर सिंह धामी। पुरोहितों से बातचीत के बाद लिया फैसला। विपक्ष को करना चाहिए फैसले का स्वागत। देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीर्थ पुरोहितों को दी बधाई। कहा तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष रंग लाया। अहंकारी सरकार को अपना फैसला लेना पड़ा वापस। कहा लंबे समय से संघर्ष कर रहे तीर्थ पुरोहितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़ी रही आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में महिला मंगल दल और युवा मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। अल्मोड़ा जनपद के 1160 ग्राम पंचायतों के 1-1 मंगल दलों को दी जा रही प्रोत्साहन राशि। CDO नवनीत पांडे ने बताया 1 सप्ताह के भीतर सभी खातों में 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि बराबर अनुपात में होगी ट्रांसफर।